नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास जो है ये सोलर लाइट आया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या था दोस्तों इसका चार्जिंग पोर्ट में, दोस्तों चार्ज में जब लगाता था तो चार्ज भी जो है दोस्तों इंडिकेट नहीं करता था। देखिए, चार्ज हो रहा है ये भी इंडिकेट नहीं करता था, और इसको स्विच को दबाने से लाइट भी नहीं जलता था। तो मैंने दोस्तों इसको खोला, तो इसमें जो है जब चेक किया तो सब चीज़ तो ठीक ही था दोस्तों। वोल्ट भी आ रहा था, बैटरी का हर चीज़ सही था। तो इसमें जो है बहुत सारा, मतलब थोड़ा मेहनत भी किए हम, ठीक है, सब चीज़ सही बता रहा था। तो हम सोचे कि आखिर क्या है, ठीक है। तो बहुत सारा चेक करने के बाद हमें ये पता चला, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक हो चुका है दोस्तों। तो हम सोचे कि आप लोग अभी थोड़ा हेल्प कर दें, ठीक है। अगर आप देख लेंगे तो शायद आपसे भी ये बहुत ईजी वे में ठीक हो जाएगा। और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही ठीक हुआ है, मगर कुछ ट्रिक अपनाना पड़ा दोस्तों, और कुछ विशेष नहीं है। तो दोस्तों, आपका ये आपका हो गया चार्जिंग पोर्ट, और ये आपका हो गया दोस्तों ये मेन बोर्ड हो गया दोस्तों, और ये आपका बैटरी हो गया, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों बीमारी क्या था, बस बीमारी जो बीमारी था तो बता ही दिया मैंने, और बस इसका समाधान ठीक कैसे हुआ दोस्तों, बस इसको खोलें। जो लगा हुआ था दोस्तों, ये लगा हुआ था, इसको खोलें हम, ठीक है। अब फिर कुछ मिनट में हम लगाएं, ये ठीक हो गया। ऐसा क्यों हुआ पता है दोस्तों? क्योंकि इसका बैटरी जो दोस्तों काफ़ी सेफ्टी तरीक़ा से बनाया गया है, ठीक है। तो इस होता क्या है दोस्तों कि ये हल्का भी गिरने से दोस्तों इसका वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, और जब ड्रॉप हो जाता है दोस्तों तो इसको आप जब तक खोल के नहीं लगाएंगे तब तक ये आपका ठीक भी नहीं होगा, आपका वही बीमारी रहेगा दोस्तों। तो आपका जो है बस आपको कुछ करना नहीं है, ये सब का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप दोस्तों ये तरीका आजमा के देखें दोस्तों, आपका ठीक हो भी जाएगा। और मैंने देखा है और अभी किया ही हूँ दोस्तों। तो ये आपका सोलर प्लेट है दोस्तों, ये सोलर से चार्ज होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।